बाबर सिद्दीकी की हत्या के बाद बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर के आसपास आने वालों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। इस बीच बिश्नोई समाज को लोगों ने बताया कि उनके यहाँ माफी मांगने को लेकर क्या नियम है। बिश्नोई समाज का कहना है कि सलमान खान ने अपराध किया है और उन्हें समुदाय के सख्त नियमों का पालन करते हुए माफी मांगनी चाहिए, जिसे बिश्नोई समाज के 16वीं सदी के संस्थापक गुरु जम्भेश्वर ने निर्धारित किया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अखिल भारतीय बिश्नोई समाज के सचिव ने कहा कि समुदाय की मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे पश्चाताप होना चाहिए, जिसके बाद उसे प्रायश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि माफी मांगने के लिए राजस्थान के बीकानेर में मुक्ति धाम चाहिए, जो गुरु जम्भेश्वर का अंतिम विश्राम स्थल है और समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। सलमान खान ने दो खूबसूरत जिंदगियां छीन ली। जब कोई अपराध करता है तो उसमें पश्चाताप की भावना होनी चाहिए, माफी मांगने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। जब एक बार माफी मांग ली जाती है तो इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय पूरी तरह से समुदाय पर निर्भर करता है। बिश्नोई समाज के दुनिया भर में 70 लाख से अधिक सदस्य हैं। जब तक सलमान खान माफी नहीं मांगेंगे तब तक वह सजा के हकदार होंगे। बिश्नोई समाज का कहना है कि अगर सलमान की ओर से माफी का प्रस्ताव आता है तो हम इसे समाज के समक्ष रखेंगे। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 2018 में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान से बदला लेने की कसम खाई थी। सलमान खान ने तब से सजा के खिलाफ अपील की है और मामला फिलहाल राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित है। एनसीपी नेता बाबर सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है, जिसमें दावा किया गया कि सलमान खान से नजदीकियों के कारण उसने मर्डर किया। हालांकि पुलिस इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई की संलिप्तता की जांच कर रही है। इस बीच शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली। इस बार ट्रैफिक कंट्रोल को भेजे गए मैसेज में धमकी लिखी मिली। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया है, जिसे लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। भटिंडा की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पिछले साल कहा था कि सलमान खान को बिश्नोई मंदिर में आकर हमारे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगनी चाहिए।